हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अमेजोन साड़ी हॉल। जी हाँ गाइज, पहली बार शेयर कर रही हूँ आपके साथ साड़ी हॉल। दीज आर ब्यूटिफुल प्लीटेड साड़ीज ओनली ऑन अमेजोन, ट्रेंडी स्टाइलिश। एंड अमेजोन पे चल रही है समर सेल, तो इसका फायदा उठाना मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले रेडी हो जाते हैं, थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। अब मेरा फेस यहाँ पे पूरी तरीके से क्लीन है, ड्रेसअप हो गई हूँ मैं। चलिए, हल्का फुल्का मेकअप तो बनता है साड़ी के साथ। सबसे पहले मैं यहाँ पे टोनर यूज कर रही हूँ एंड इसे डैब डैब करके अपने स्किन पे अब्जॉर्ब होने देंगे। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सीरम। दिस इज जस्ट हर्ब सीरम, रेटिनॉल सीरम। ये एक बेस की तरह काम करेगा आपकी स्किन पे, इससे ग्लोई डूई बनाने में मदद करेगा। एंड मेरी वीडियो है दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड में, फटाफट से बना रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फिट मी फाउंडेशन। डैब डैब करके अप्लाई कर लूँगी एंड उसके बाद एक डैम्प स्पॉन्ज की हेल्प से इसे पूरी तरीके से ब्लेंड करूँगी। मैं यहाँ पे दोस्तों कोई टूल्स का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करूँगी ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। कोई ब्रशेस नहीं, कुछ नहीं। किस तरह से आप फटाफट से मेकअप कर सकते हैं ना अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से, ये आपको दिखाऊंगी। ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करना तो मस्ट है, वरना इसके बिना फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है और केकी फील देता है, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे हमेशा से नेचुरल लुक अच्छा लगता है। कंसीलर को मैं टोटली स्किप कर रही हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ये पैलेट। एक न्यूट्रल शेड लेके आई पे एक बेस बना लूँगी एंड उसके बाद एक ग्लिटरी शेड लेके थोड़ा सा ट्रांजिशन इफेक्ट दे दूंगी। ज़्यादा मेकअप मैं नहीं कर रही हूँ और समर्स में मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है, इसीलिए बिल्कुल सटल सा लुक क्रिएट कर रही हूँ। अब मैं अपने आईब्रोज को डिफाइन करूँगी। आईब्रोज को जब आप डिफाइन कर लेते हैं ना, तो ऑलरेडी आपका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, फेस क्लीन लगने लगता है। तो एक ब्राउ पेंसिल से, ब्राउन कलर की ब्राउ पेंसिल है, इसे डिफाइन कर लूँगी एंड इसे स्पूली की हेल्प से शेप के अकॉर्डिंग ब्रशअप कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अपने फाउंडेशन को सेट करने वाली हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर से। मेरे पास मेबिलीन का ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, हल्का हल्का सा बस इसे सेट कर लेना है। एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ लिप एंड चीक टिंट। आप चाहें तो लिपस्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बहुत जल्दी है तो। इस तरह से मैंने जस्ट हर्ब्स का ये लिप एंड चीक टिंट लिया है एंड इस तरह से मैं अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। एंड मैं यूज़ करने वाली हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये हाईलाइटर। ओवरऑल आप लुक देखेंगे तो वो शिमरी सा, डूई सा, सटल सा मेकअप लुक आपको दिखेगा, बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं लगेगा। मैं ओवरडू मेकअप करती भी नहीं हूँ, चाहे दिन हो या रात हो। ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल लेके इसी से मैं लाइनर की तरह इसे अप्लाई कर रही हूँ। आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ब्राउन लिया है एंड इसी से ही लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। कोई फॉल्सेस नहीं, कोई मस्कारा नहीं। एंड सेम आईब्रो पेंसिल से बिंदी भी अप्लाई कर लिया है मैंने। यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ सिस ब्यूटी का ये न्यूड शेड लिपस्टिक। मंगलसूत्र डाला है एंड यहाँ पे मैंने एक स्टड्स डाले हैं। बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं कैरी किया है, आप इस तरह से कैरी कर सकते हैं या हेविली एक्सेसराइज कर सकते हैं। अब इस साड़ी की हम बात करते हैं गाइस। ब्यूटीफुल साड़ी है, प्लीटेड साड़ी है और वाइट ब्लाउज के साथ इसका कॉम्बिनेशन किया गया है। मैंने तो ये क्रॉप टॉप पहना है साथ में, बट इसके साथ आपको सिमिलर वाइट कलर का ब्लाउज पीस मिलेगा। एंड काफ़ी ब्यूटीफुल साड़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसका प्रिंट, इसका फैब्रिक, इसकी फील ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है, समर्स के लिए एप्ट है। कितना ब्यूटीफुल इसका कलर है ना। इसे आप जब अच्छे से एक्सेसराइज करेंगे सिल्वर ज्वेलरी के साथ तो आप और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाले हैं। मैंने इसे सिंपल मंगलसूत्र के साथ कैरी किया है एंड इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी लेंथ आपको मिलेगी साड़ी की। अगर आप मेरे से भी ज़्यादा हाइट में हैं, मैं 5'3" हूँ, अगर आप मुझसे भी ज़्यादा हाइट में हैं तो अच्छे से आपको ये साड़ी आने वाली है। अभी मैं आपको नीचे से दिखाऊंगी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड आपको बता दूँ, इसके साथ मैंने कैरी किया है ज़िवामी का साड़ी शेपवेयर भी, जिसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसे पहनने से ना, मैंने पहली बार साड़ी शेपवेयर ट्राई किया है, पहनने से बहुत ही स्लीक लुक मिल रहा है। बॉटम से आप देख सकते हैं, फिश कट में आपको ये साड़ी शेपवेयर मिलेगा एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अपने साइज से एक साइज कम आप लेंगे तो अच्छा सा लुक भी आएगा एंड कंफर्टेबल भी है। मेरा भी रिसेंटली सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है बट मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है, बहुत ही कंफर्टेबल ब्यूटीफुल फील हो रहा है एंड काफ़ी दिनों बाद साड़ी पहना है तो अच्छा भी लग रहा है। आप भी इसे ले सकते हैं। इस क्रॉप टॉप की, इस साड़ी की, शेपवेयर की सारे लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब थोड़ा सा अच्छे से साड़ी का लुक देखिए। We'll be right back.
अब नेक्स्ट मेरे पास है ब्यूटीफुल अनदर ब्यूटीफुल प्लीटेड साड़ी। इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए, आहा मजा ही आ जाता है समझ में जब ऐसा कलर कोई पहनता है ना, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका कलर कॉम्बिनेशन की वजह से मैंने इसे परचेज किया है। एंड प्लीटेड साड़ीज आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। कैरी किया है मैंने इसके साथ ब्लैक क्रॉप टॉप। आप इसके साथ आपको ब्लैक कलर का ब्राउज पीस भी मिलेगा, आप उसे भी स्टिच करा सकते हैं, बट मुझे जल्दी शो करना था, मेरे पास टाइम नहीं था। एंड क्रॉप टॉप मुझे काफ़ी ज़्यादा फीजिबल लगते हैं कैरी करने के लिए, होजरी मटेरियल में है तो बहुत कंफर्टेबल है समर्स के लिए। एंड साड़ी के तो क्या कहने, इसे आप ऑफिस पार्टीज़ में, इसे आप गेट टुगेदर्स में कैरी कर सकते हैं। सिंपल मैंने सेम मंगलसूत्र एंड कानों में स्टड्स के साथ कैरी किया है, आप इसे एक्सेसराइज कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन मुझे मिला है एंड इसमें आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये दीपिका पादुकोण से इंस्पायर्ड की हुई साड़ी है। आप देखेंगे दीपिका ने ऑरेंज येलो एंड ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में ये साड़ी पहनी थी, वैसी ही साड़ी है ये, इसका कलर बस डिफरेंट है। एंड मुझे तो प्लीटेड साड़ीज बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, आपको भी पसंद आएंगी जब आप इसे ट्राई करेंगे। तो चलिए साड़ी का लुक देखिए अच्छे से। आज की सारी परचेज लिंक्स, आपको सारे प्रोडक्ट्स की परचेज लिंक्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। एंड दिस वीडियो इज इन एसोसिएशन विद माय होल स्टोर। ऑल्सो अमेजोन पे चल रही है समर सेल, तो उसका फायदा उठाना मत भूलिएगा, हैवी डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स पे। चलिए अब साड़ी को अच्छे से देखिए, साड़ी का क्रॉप, दोनों साड़ीज का क्रॉप टॉप का एंड साड़ी शेपवेयर का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेकअप प्रोडक्ट्स के भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे, डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट। एंड वीडियो पसंद आई है, मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए साड़ी का लुक देखते हैं।